मुझे पता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतूंगा, ये गारंटी है। अव्यवस्थित सरकार से इतना तंग आ चुके हैं लोग ना, कि स्वाभाविक है आप 10 कदम पीछे हैं, जनता 10 कदम आगे चल रही है। उन्होंने क्या क्या किया आप खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आवास बंद कर दिया, क्या ऐसा है क्या? पर हेमंत जी तो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हेमंत जी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी बिना कपड़े के चल रहे थे, मान्यता है क्या? हेमंत जी जो कह रहे हैं उसकी कितनी सत्यता, उनकी स्टैंडर्ड क्या है? तो अब तो विधानसभा में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अरे उनकी पार्टी और उनके सम्मिलित जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं खटाखट वाले हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? मेरे यहाँ तो मुझे तो मुसलमानों ने भी वोट दिया। हाँ। किसने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 14 में से 9 सीटें अपने नाम किया। चतरा के सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, कार्यकर्ताओं ने इनको तो पास करा दिया, अब की बारी इनकी है। आप अपने लोकसभा में कितना सीट पार्टी को देने जा रहे हैं? 5 है, 5 जीत रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस में आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि एक एक विधानसभा 70-70, 60-60 हजार से चुनाव जीता है। लोकसभा में पहले भी जीते रहे हैं लोग, आप लोग 63 सीट जीते थे तब हार गए, विपक्ष में आ गए, अभी तो 52 जीते हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। मुझे पता है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे पता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतूंगा, ये गारंटी है। लातेहार और मनिका को लेकर क्या योजना है आपका? जो मनिका की योजना क्या करना, चुनाव जीतेंगे बकायदा, कार्यकर्ता देने को तैयार है, जनता देने को तैयार है। ये अव्यवस्थित सरकार से इतना तंग आ चुके हैं लोग ना, कि स्वाभाविक है आप 10 कदम पीछे हैं, जनता 10 कदम आगे चल रही है, उसका उदाहरण मैं हूँ भाई। मैं तो 10 कदम पीछे था, लोग पहले ही आशीर्वाद दे रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे, इसलिए चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन कालीचरण जी, जेएमएम का भी वर्जन सुन रहे हैं मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो 2 साल कोरोना में चला गया, उसके बाद हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए तो आप लोग ईडी वाले को छोड़ दिए उसके पीछे। कह रहे कि कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कह दिया, अब किस मुंह को लेकर ये लोग जाएंगे जनता के बीच? अगर मैनिफेस्टो में जो कुछ काम नहीं हो पाई है उसका कारण है हमारे पास। मुझे आप बताइए कि दूध का दूध पानी का पानी क्या अर्थ होता, फैसला हो गया? नहीं, वो कह रहे हैं पर फिर मेरे ऊपर डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, फैसला हो गया? नहीं, फैसला नहीं हुआ ना। हाईकोर्ट से राहत मिल गई? नहीं, जमानत मिला। राहत मतलब जमानत आपने लिया है? लेकिन उस पे जो लिखा है वो बता रहे हैं, वो पढ़ के। नहीं, 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 नहीं। जमानत की जो कोर्ट ने जब जमानत दिया तो उस पे जो लिखा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है, मुख्यमंत्री पे कोई सीधा एलिगेशन नहीं है, इस जमीन का कोई बनता नहीं है साक्ष। आपने सवाल तो कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट अगर उनको निर्दोष माना था तत्काल डिसीजन दे देता, ऐसा तो है ही नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसा है, ईडी भेजने का क्या मतलब है? कोई कैसा भारत में कभी सुने हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज पट्टा ले माइंस का? ये इतिहास है कि नहीं, अपने नाम से अपने लीज लिया? अब इसे पूछने की कहाँ जरूरत है भाई साहब, उसमें मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो आप प्रूफ कर रहा है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कर रहा है, आप CM है, CM को भी पट्टा लेने की आवश्यकता पड़ गई? प्रश्न इसका है ना। और आपको कहाँ कोर्ट ने आपको जमानत दिया? किसी भी मुकदमे में कोर्ट जमानत देता है टिल द डिसीजन, तो डिसीजन कहाँ हुआ है? अब वो कह दें कि मैं बरी हो गया, वो कह दें कि कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये पता नहीं क्या सोचते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है 5 लाख के नौकरी के बारे में तो वो कहते हैं कि आपसे पूछ के आइए 2 करोड़ का नौकरी कहाँ गया लोगों का, तो नौकरी वाला मामला तो टिकेगा नहीं युवा। वो क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, उनकी पार्टी और उनके सम्मिलित जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं खटाखट वाले हैं, तो वो उनका क्या प्रश्न उत्तर मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने सिद्धांत से, अपने संस्कृति से कार्य कर रहा हूँ और मैं इस बार चुनाव में आ रहा हूँ। नहीं तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? बोल रहे हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? मेरे यहाँ तो मुझे तो मुसलमानों ने भी वोट दिया। हाँ। किसने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। मोदी जी का हमारा प्राइम मिनिस्टर नेता कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं तुम हिंदू और मुसलमान? रोड बना रहे हैं तो कहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क है, नहीं चलेगा। बिजली में कहाँ है भाई, उज्ज्वला योजना में कहाँ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहाँ कह रहे हैं तुमको नहीं देंगे? ये कोई उत्तर हुआ क्या? और आप जैसे पत्रकार भी इस बात को समझते हैं तभी आप उनको प्रश्न उनसे पूछिए प्रभु। तो कौन सा मुद्दा लेकर जाएगी बीजेपी? वो कह रहे हैं यूनिवर्सल पेंशन हमने दिया, प्रधानमंत्री ने आवास देना बंद कर दिया तो हमने 3 कमरों का अबुआ आवास का योजना शुरू किया, 21 साल से अगले महीने कह रहे हैं कि वो अकाउंट में गिर जाएगा, 21 साल से ऊपर जितनी भी बच्चियाँ हैं सबको मिलेगा,
पहले बीजेपी के शासनकाल में रहता था कि लिमिट रहता था पेंशन का, हमने लिमिट तोड़ दिया, अब हर किसी को पेंशन मिल रहा है। आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उन जब चुनाव लड़ रहे थे 19 में तो उनके घोषणा पत्र में नियुक्तियां के बारे में थी या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब वो क्या कहते हैं कि कोरोना में बीत गया, फिर कह रहे हैं मुझे अंदर कर दिया, ये उत्तर सही है 4.5 साल का? ये कोई ऐसा है क्या? आपने जो कहा वो इम्प्लीमेंट कितना किया? वो जनता वो हिसाब मांगेगी ना, तब जवाब होगा। जनता तो हिसाब मांग रही है ना, मांगेगी, चिंता का विषय नहीं है। तो कालीचरण जी, मतलब आप उनको मैनिफेस्टो याद दिलाएंगे कि आपने ये वादे किए थे और ये पूरे नहीं? नहीं, नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने जो वादे किया था वो क्या किए, सो उन्हीं से पूछिए। आप मुझसे जो कह रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया, आप कौन देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने आवास बंद कर दिया, क्या ऐसा है क्या? पर हेमंत जी तो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हेमंत जी तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी बिना कपड़े के चल रहे थे, मान्यता है क्या? हेमंत जी जो कह रहे हैं उसकी कितनी सत्यता, उनकी स्टैंडर्ड क्या है? एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री बिना कोई इलीगेशन का, बिना कोई डिपार्टमेंट भारत सरकार चाहे राज्य सरकार इंटरप्ट करेगा क्या, छुएगा क्या? आप कहीं ना कहीं दोषी हैं, तभी तो आपसे क्वेरी किया। किसी का कोई व्यक्ति नौकर नहीं होता है, वो स्वैच्छिक संस्था है, भारत सरकार का हो या राज्य सरकार की भी संस्थाएँ होती हैं जो निर्णय लेती हैं। आप गलत करें तो उनकी मॉनिटरिंग करेगी। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो बेईमानी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने नहीं किया, तो गजब हाल है भाई। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। 2014 में किसी कारणवश आपका आसू से गठबंधन नहीं हो पाया विधानसभा में, 2019 को लेकर पार्टी कितनी तैयार है यहाँ पर? क्या आप लोग सीट शेयर करेंगे आसू के साथ या फिर अकेला चलेंगे? या वो आला कमान का होता है, केंद्रीय नेतृत्व का, हम प्रदेश का कार्यकर्ता है, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, मेरी सीमा है, हम अपनी सीमा जानते हैं। वो हमारे केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के अध्यक्ष ही बैठ करके तय करेंगे किनके साथ जाना है, कितने सीटें देना है, उनका नीतिगत निर्णय। हम तो आदेश पालक हैं, हम तो सिपाही हैं, हम तो कहें। आप लोग तो फीडबैक देते होंगे ना संगठन? बिल्कुल फीडबैक तो दिए ही। अब फीडबैक मैं जो दिया हूँ वो मैं प्रेस मीडिया में नहीं बता पाऊँगा कि बंद कमरे में मैंने क्या रिपोर्ट दिया है। मैंने पीएम झारखंड के सारे सांसदों के साथ पीएम के भी चाय पर चर्चा हुई, हमने बताया उनको, वो बताने की चीज़ मान्यवर नहीं है बाहर में। विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है, अमित शाह जी भी भाग ले रहे हैं, उससे पहले पार्टी ने आपका हेमंत बिश्व शर्मा को, शिवराज जी को, तमाम नेताओं को लगा रखा है, कितना लाभ होगा? भैया आप लगा नहीं रखा, हमारे यहाँ रूटीन वर्क है, प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का चुनाव अधिकारी, सह चुनाव अधिकारी, हमारे का रूटीन वर्क है, पार्टी का, सभी पार्टी का रूटीन वर्क होता है, मेरे भी पार्टी का रूटीन वर्क है। वो आए हैं सह प्रभारी और शिवराज जी अपने आदरणीय प्रभारी के रूप में आए हैं, वो कितना लाभ मिलेगा ये कोई प्रश्न नहीं होता है। भारतीय संघ का भी यहाँ 10 दिनों तक रहना, 4 दिनों तक चर्चा करना, ये अब चर्चा का हाँ संघ कोई राजनीतिक दल है क्या? नहीं, लेकिन ये चर्चा का विषय हमारा उसे क्यों जोड़ते हैं? मैं स्वयं सेवक हो सकता हूँ, मैं संघ का स्वयं सेवक हो सकता हूँ, लेकिन संघ का अपना कार्यक्रम है, हम राजनीतिक पार्टी है, मेरा अपना कार्यक्रम है, उनसे मेरा क्या मतलब होता है? वो अपना कार्य देख रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अच्छा जो रिजल्ट आया है, 52 विधानसभा क्षेत्र हम चुनाव जीते हैं इस लोकसभा के चुनाव में, उनको धन्यवाद करेंगे, शनै करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, उत्साहित करेंगे, अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। कोई तो स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों के पास कि क्या लेकर जाएंगे चुनाव में, मुद्दा फेस कौन होगा? क्योंकि आप लोग तो लोकसभा में बार बार ये सवाल पूछते थे कि विपक्ष से कि इनका नेता कौन है, बताए सार्वजनिक तौर पर, तो अब तो विधानसभा में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? अरे इसके लिए मेरे अधिकृत है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय चुनाव प्रभारी, आदरणीय झारखंड प्रभारी, हमारे अधिकृत है भाई साहब। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, इतना सा सिपाही हूँ, प्रदेश के आला अधिकारी हमारे अधिकृत। ये तो उपाध्यक्ष बता सकते हैं कि हाँ हम फेस देकर जाएंगे या बिना फेस के जाएंगे, ये मेरा है, वो भी अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज आप बुलवाना चाह रहे भाई साहब। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना बात था आपने सवाल किया, मैंने उत्तर दिया कार्यकर्ता के रूप में, आगे हमारा प्रदेश नेतृत्व जो आदेश करे मैं पालन करूंगा। बहुत बहुत बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.